एक बार फिर से स्वागत है। आखिर कौन सा परिवर्तन चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी, जिस परिवर्तन के नाम से, जिस लोकपाल, जिस जन लोकपाल के नाम से, जिस आंदोलन से निकल के ये आए, वो आंदोलन आज अन्ना रालेगांव सिद्धि में कर रहे हैं और ये जीत करके यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। क्या परिवर्तन कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी, कौन सा परिवर्तन देख रहे हैं आप पूरे इस जो जश्न में, क्या परिवर्तन है? सर मुझे लगता है परिवर्तन, ईमानदारी, शिष्टाचार, ये तमाम सारा जो मुखौटा लगा हुआ था उतर रहा है, वो धीरे धीरे उतर रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि कुमार विश्वास टाइप के सड़क छाप कवि, गोपाल राय जैसे घटिया भाषण देने वाले और गाली देने वाले लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन पढ़े लिखे मानता हूं मैं योगेंद्र यादव को, उनकी छवि हम इस आम पार्टी के अलावा भी जानते हैं। प्रशांत भूषण ने बयान दिया, क्या कारण थे कि प्रशांत भूषण का दबाव, बयान के बाद वो फौरन यू टर्न लिया उन्होंने। योगेंद्र यादव ने कल्याण सिंह कर्नाटक कहां बीजेपी ने खरीदा, कहां कांग्रेस ने तोड़फोड़ की, ये याद था, लेकिन ये नहीं बताया योगेंद्र यादव जी ने कि कैसे इस मुल्क में पीछे माजी में सरकारों के खिलाफ एक दूसरे के लड़ने के बाद चुनाव नतीजे आने के बाद नए समीकरण भी बनते हैं, किस तरह से मिलके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो, वो भी बनता है और उनपे कुछ लोग शर्तों में भी क्या कहते हैं सरकार चलाते हैं। अल्टीमेटली आप कुछ सरकार में जीत के आए हैं और आप कहेंगे नहीं हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो हम जो है कुछ भी नहीं करने देंगे। सवाल यह है कि आप आज की डेट में कल्याण सिंह और कर्नाटक की मिसाल दे रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन यह भी तो बताएं कि इस देश के अंदर लेफ्ट और राइट एक साथ सरकार बनाने के लिए वीपी सिंह के साथ आए थे, कितनी विचारधारा का विरोध था, उस वक्त भी देश को संकट से बचाया था। आज देश छोटा एक दिल्ली है, आप दिल्ली की जनता को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमें पूर्ण बहुमत नहीं दिया तो हम न खेल करेंगे न होने देंगे। अब आपको, आप चाहते क्या है? आपको एक पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि आप सरकार बनाए तब भी हम नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे। आप शहमात का खेल खेल रहे हैं, आप उस जनता जिसको आपने सीलमपुरी की गलियों में, झोपड़ियों में, झुग्गियों में, जिनसे वोट लिया है, आप उनके ऊपर खेल खेल रहे हैं। आप गोपाल राय चिल्ला के कहते हैं कि हम केजरीवाल को सीएम बना के ही रहेंगे, आप सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, आपके चेहरे पे ये था कि हम तो बदलाव के लिए कर रहे थे, तो ये कौन सा बदलाव है? ये पिछले तीन दिन का जो डेडलॉक है और आगे दिखने वाला डेडलॉक है, इसमें दिल्ली की जनता पिस रही है, इसमें किसने बीजेपी को वोट दिया, किसने आपको दिया, किसने कांग्रेस को दिया, ये इशू नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप किसी चीज को सॉल्व नहीं करना चाहते। आपको राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि कोई राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है, कोई अरुण जेटली को चैलेंज कर रहा है, कोई कल्याण सिंह की मिसाल दे रहा है, कोई कन्याकुमारी जाकर के आंदोलन करने की बात कर रहा है। आपने आंदोलन किया, अच्छी बात थी, और जिस आदमी का आंदोलन किया उसकी आज सेहत खराब है। आंदोलन किया नहीं, आज वो अन्ना आंदोलन कर रहे हैं, उसकी सेहत खराब है, उसका बीपी डाउन है। आप कह रहे हैं आप सड़क तोड़ रहे हैं, किसी में ये जरूरत नहीं हुई कि आप कहते हैं कि अन्ना अनशन पे बैठ गए, बल्कि आप अन्ना के अनशन को जिस तरीके से आज वहां कहा गया कि देखिए ये अन्ना का ही जोर है कि जैसे ही अन्ना ने कहा कि लोकपाल बिल, फौरन नारायण स्वामी ने कह दिया कि हम बिल लाएंगे, लेकिन ये भूल गए कि नारायण स्वामी ने जब ये कहा कि हम इस सत्र में लोकपाल बिल लाएंगे, लेकिन सेक्रेटरीट ये कहता है कि नारायण स्वामी ने जो कहा वो झूठ था, ये बिल इस सत्र में आएगा ही नहीं क्योंकि उनके पट उस पर ही नहीं है, ये एजेंडे पे ही नहीं है। बट मेरा कहना ये है कि इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए थी कि जिसके कंधों और जिसकी कोख से तुम पैदा हुए थे, वो आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए अपने जीवन से लड़ मर रहा है, उसका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, आपने सिंबॉलिक भी कोई आदमी वहां नहीं गया, आज अन्ना का आशीर्वाद लेने या 28 एमएलए चले जाते तो भी लगता कि इनके अंदर कहीं कोई शालीनता है, एक आदमी जान माल से मर रहा है और दूसरा आप जश्न मना रहे हैं, और जश्न में जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा ये बताती है कि जो अन्ना की भाषा नहीं थी, अन्ना की कोख से पैदा हुए इस आंदोलन की पार्टी की भाषा नहीं थी। आज आपने अपने सारे मुखौटे उतार दिए, आज सिर्फ आप सिर्फ दिल्ली की गद्दी पे बैठना चाहते हैं और अपने तानाशाही जो अंदाज है आपका, जो आपने बेस पैर सिर पैर के वादे किए हैं, उसको लोगों के सामने एक्सपोज ना हो जाए इसलिए बचना चाहते हैं। धर्मनी जी, दो सवाल है। अन्ना हजारे आज कह रहे हैं कि मुझे अरविंद केजरीवाल या किसी की जरूरत नहीं है, और यहां पे केजरीवाल के सहयोगी कह रहे हैं कि, गोपाल राय कह रहे हैं कि अन्ना से वो अनशन छोड़ने की अपील कर रहे हैं। मुद्दा जनलोकपाल है, जनलोकपाल की ये बात कर रहे थे। ये जो पोस्चरिंग है पूरी तरह से, इसका क्या मायने है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अन्ना ने अपने जीवन में लगभग 16 आंदोलन किए हैं और उन्हीं के आंदोलन की उत्पत्ति आरटीआई है, लेकिन
ये जो अभी पुष्पेंद्र भाई कह रहे थे, मैं कहता हूं आशीर्वाद लेने जाते या ना जाते, लेकिन आज कम से कम 28 एमएलए जीते हैं विधानसभा में, इसका मतलब है कि जनता उनके साथ है। तो कहीं तो प्रदर्शन करते, कहीं तो बंद करते दिल्ली को, कहीं तो अन्ना के समर्थन में खड़े होते राजधानी के अंदर। आज वो जन वो जश्न मनाने के स्थान पर अन्ना के समर्थन पे उसी जंतर मंतर पर बैठते तो कहीं अच्छा लगता, लगता कि वास्तव में जहां से ये पैदा हुए हैं उसके प्रति ये गंभीर हैं। अन्ना गंभीर है उन वादों के प्रति, उन इरादों के प्रति, गंभीर मूल्यों के प्रति, मुझे ये लगता है आंदोलन के प्रति भी इनकी गंभीरता है। बिल्कुल, आज आप ये देखिए अन्ना की गंभीरता साफ नजर आ रही है। अन्ना ने जो वादा किया उन्होंने कहा 2 साल इंतजार कर लिया भाई, अब ये लास्ट सत्र है लगभग इस लोकसभा का, और अब मैं तभी उठूंगा। उनके जो भाषण है, उनका जो वक्तव्य है, वो बड़ा खतरनाक वक्तव्य है। इसलिए खतरनाक मैं बोल रहा हूं, खतरनाक उस सेंस में बोल रहा हूं कि इस देश में जो एक प्रमाणिक समाज सेवी है वो आज जो भाषा बोल रहा है उससे सरकार को चेतावनी है कि उनको उनके अनुसार जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। हालांकि एक अहम सवाल जहन में इस वक्त आ रहा है दादा, और मैं आप सबसे कि इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति जिस पे कि लोग भरोसा कर लेते हैं, क्या आने वाले समय में कोई ईमानदार व्यक्ति भी जो ईमानदारी से किसी परिवर्तन को लाना भी चाहता हो उनके लिए भी कठिन होगा? विश्वास से पहले कि आप उनसे पूछें, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। देखिए, इस अन्ना के प्रति श्रद्धा या अन्ना के प्रति, अन्ना के कॉज के प्रति जो लोग गंभीर थे वो वहां पहुंच गए। किरण बेदी को देखिए, वहां पर पहुंच चुकी हैं और समाज सेवी वहां पहुंच चुके हैं। क्या कारण है कि ये नहीं वहां पहुंचे? चलो नहीं पहुंचे तो उनके समर्थन में क्या कर रहे हो आप? जश्न मना रहे हो, एक अनशन और दूसरी तरफ जश्न। सवाल नहीं, मैं कह रहा हूं, गंभीर बात की तरफ जो इशारा किया है, ये मैं समझता हूं कि इस बात को हम सब इग्नोर कर रहे हैं। अन्ना इस बार अनशन पे ये कहा है उन्होंने कि मैं अमरण अनशन पे हूं, मैं पानी भी छोड़ने वाला और मुझे जबरदस्ती उठाया गया तो मैं मानूंगा नहीं। यानी वो अंतिम सांस तक के लिए बैठे हैं, और जो वो कह रहे हैं वो इसलिए मुझे तार्किक नहीं लग रहा कि वो एक तरफ तो जीवन को छोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस सरकार से कह रहे हैं जन लोकपाल के, जिसके एजेंडे में इस बार ये बिल ही नहीं है। तो क्या अन्ना को इस देश को ऐसे ही जान देना होगा? क्या इस देश के लोग इतने अनसेंसिटिव हो चुके हैं कि अन्ना की जान चली जाए लेकिन अन्ना को बिठाए रखा है? आज कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की मुहिम को लेकर चुनाव जीते हैं लोगों के मन में कि हम देखिए ईमानदार हैं। अन्ना ने अपनी जान दांव पे लगा दी। ये बेईमानी किसकी है? अन्ना की जान दांव पे लगी हुई है इस देश के साथ। बेईमानी कौन कर रहा है? ये बेईमानी कौन कर रहा है? एक बात ऐसी है, ये कौन सा बेईमानी? आंदोलन की मूल जो है ये अन्ना जी है, पहले भी अन्ना जी थे, और अन्ना जी सामने आने के बाद उसमें टोपी में था मैं अन्ना हूं। ये जनता के अंदर एक ये था कि भाई मैं अन्ना हूं कह के हम भी उनके हम उस कॉज के प्रति कमिटेड है, समर्थन कमिटेड है। अब जिस दिन उन्होंने इसकी बेईमानी की तो वो आम आदमी बन गए। उसने लिखा मैं केजरीवाल हूं, टोपी पे नाम बदला। केजरीवाल पहले अन्ना को बेचा, उससे अपने आप को बेचा तो लोगों के बीच में, जब देखा ये हम केजरीवाल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर मैं आम आदमी हूं। तो मतलब अपना टोपी को इन्होंने पहले ही 2 बार बेच चुके हैं। अब ये टोपी कितने बार बेचेंगे? अब इसके बाद क्या करेंगे ठीक नहीं है। अगर बाई चांस मैं कह रहा हूं सत्ता के आने के लिए बहुमत भी मिल जाए, शायद ये नहीं आएंगे। कहेंगे कि जब तक व्यवस्था नहीं पलटेगी तब तक नहीं आएंगे। जी, जब तक व्यवस्था नहीं पलटेगी, क्यों हम चाहते हैं परिवर्तन, ये परिवर्तन जब तक नहीं होगी तब तक हम नहीं बैठेंगे। जी, मतलब ये जो एक जो अपना जो ढोंग है वो ढोंग निकाल के आ रहा है, और इसके साथ जो कुछ जुड़े हुए हैं आप उतना वो टोपी जो पहले अन्ना से केजरीवाल ने उसको आम आदमी को जोड़ने के लिए आम आदमी टोपी बनाई, अब वो विधायक की टोपी बन गई है। आज वो टोपी विधायक की टोपी बनी हुई है। अच्छा, और वो कल उसको संसद की टोपी बनाना चाहते हैं। ये दूसरी, और आप जाके देखिए कि जंतर मंतर में जहां पर इन्होंने जिसे मना रहे हैं उसके ही सामने अन्ना के समर्थन में कुछ आदमी आज भी अनशन में बैठा है। मैं कल जाके देख के आया, देखिए मैं खुद कल जाके देख आया कि उसके सामने ये लगा के जी अन्ना के समर्थन में कुछ जो आम लोग, जिस आम लोगों को आपने कहा कि हमें 47 सीट आ रहा है हम जन लोकपाल बना देंगे, जिस आम लोगों को आपने कहा हम बिजली के दाम कम कर देंगे, जिस आम लोगों को जैसे भी
आम लोगों ने जो आपके साथ जागे, उस उन आम लोगों पे आज उनके मन में किस तरह के सवाल उठ रहे होंगे? देखिए दो बातें हैं दिलीप, एक चीज तो यह है कि बार बार ये कहते रहे, इन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की कि ईमानदार लोगों को चुने आप, ईमानदार लोगों को चुने आप, तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आज ये ईमानदारी का ए और ईमानदारी बी कैसे हो गई। उसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 32 लोगों को चुना है, उसी जनता ने कांग्रेस के 8 लोगों को चुना है, उसी जनता ने 70 में से 40 सीटें और दूसरी लोगों को अच्छा मान के चुना है, उसी ने आपको चुना है। तो आप कोई मतलब 24 कैरेट के हैं और बाकी सब जोकर हैं, बाकी सब फेक हैं। आप ये क्या कहना चाहते हैं कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली की जनता से आपने अपील की तो उसमें आप ये चाहते थे कि सिर्फ ईमानदारी के नाम पर हमको चुनो? और मुझे अफसोस है इस बात का कि जो यंग ब्लड था, जिस तरीके से दिल्ली में 16 दिसंबर की घटना से जो आक्रोश था, इन्होंने आप अगर आप देखें दिलीप, इनकी पूरी पैदाइश से लेकर के इस जवानी तक का सफर में ये किसी भी घटना से निकले हैं। जब 16 दिसंबर की घटना हुई तो ये उन्होंने उसको हाईजैक करा, अन्ना को हाईजैक करा, और जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में नहीं थी और कांग्रेस जो कि पिछले 15 साल से सत्ता में थी, महंगाई और भ्रष्टाचार जो कि आम है हर जगह अलग अलग है, क्या कर्नाटक में आप लोगों को ठगना चाह रहे हैं, ये कहा जाए, योजनाओं के माध्यम से धोखा कर रहे हैं, ये कहा जाए, मैं वही आपको 8 सीटों का बिना शर्त समर्थन मिल रहा है, आप नहीं लेके नहीं बना करके नहीं काम, इसका जवाब दें। सवाल यही है, कई सारे कांग्रेस ने साफ कह दिया, इसका जवाब दें उन 28 सीटों पे जिन लोगों ने इनको वोट दिया है, कि उनको बताएं कि आज हम इस डेडलॉक को, अगर कोई बड़ी पार्टी अपने आप को छोटा बनके आपके साथ खड़े करने को तैयार है और आपके मैनिफेस्टो में वो कोई तब्दीली नहीं चाहती, वो ये नहीं कह रहे कांग्रेसी कि आप अपना ये एजेंडा हटाइए, फिर आप क्यों नहीं कर रहे? हेमंत जी, कुल मिलाकर ये कौन सी ईमानदारी का तो ईमानदारी तो आप जानते हैं कि केजरीवाल एक IRS ऑफिसर रहे हैं, उनको मालूम है कि धन कितना खर्च होता है चुनावों के ऊपर। एक तरफ तो बात करते हैं कि सरकार चलाते हुए ये भ्रष्टाचार करते हैं, सरकार में फजूल खर्ची होती है, सरकार में ये होता है वो, क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ जैसे उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सर्वेओं की बात की जिसमें पूरी तरह से झूठ दिखाया गया, क्या वो इस बात की जवाबदेही देंगे कि वो 47 सीटें कहां हैं जो उन्होंने बार बार अपने चैनल अपने भाषण के अंदर कही, बार बार अपने चुनाव प्रचार के दौरान कही? कोई हमारे पास समय कम है, मेरा ये कहना है कि एक IRS ऑफिसर ये गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कर सकता है कि हम दोबारा चुनाव करवाएंगे, अगर दोबारा चुनाव में भी यही स्थिति में फिर क्या करेंगे? सवाल यह है कि जब 8 MLA आपको बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, ये सवाल है कि ये वही कह रहा हूं, ये ईमानदारी, जिस ईमानदारी के कारण, जिस ईमानदारी का ढोल पीट के आपने लोगों को, वो ढोल पीटा जा रहा है जो मैंने आपको पहले भी कहा, अगर वो ढोल नहीं होता तो आज ये अन्ना के समर्थन में धरने पर बैठते, जश्न में नहीं, ये बेईमानी है बिल्कुल पूरी तरह जी। ये ओवर एम्बिशियस और इररिस्पॉन्सिबल, अति महत्वाकांक्षी और गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार लोगों का एक गठबंधन है, जनता को गुमराह करके सत्ता में आने की कोशिश इन्होंने किया है और उसमें कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। और ये अब इतनी ही सफलता को अपनी पूरी सफलता मानकर सारे देश को गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं। आज की तारीख में जो कुछ भी इनके प्रयास हैं वो इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार करिए और सरकार बनाइए। इससे इनका दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा, इनका सब कुछ, असली चेहरा आप कह सकते हैं, धीरे धीरे सामने आ रहा है। और अन्ना को इन्होंने पूरी तरह यूज किया। आज ये बहुत सही बात आप लोगों ने कही कि आज अन्ना जब अनशन कर रहे थे तो बहुत से लोग जो वहां गए थे, आप तो उसी के आंदोलन की उपज हैं, आपको भी चला जाना चाहिए था, आज अपना जश्न न मनाते, आप वहां जाते जश्न मनाना कौन सा जरूरी था? कोई देश की आजादी की लड़ाई का वो तो आप कर नहीं रहे हैं कि आज सरकार बनना है, पावर ट्रांसफर हो रहा है इसलिए ऐसा करें, और जहां पावर ट्रांसफर होने की बात हो कर भी नहीं रहा, पावर तो ट्रांसफर होने की बात हो रही है लेकिन आप वो कर भी नहीं रहे, उल्टा जश्न मना रहे हैं और आगे की अपनी सियासत चमकाने की। सारी की सारी चीजें इनका ये पूरा ये साफ कर दे रही हैं कि ये सब लोग केवल एक अति महत्वाकांक्षा के कारण आम लोगों को गुमराह करके, हाँ, सत्ता पर काबिज होने की एक दुर्नीति
ये लोग चला रहे हैं जो कि बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगी और ये एक्सपोज हो रहे, जो हो रही है शुरुआत हो गई कि आप सभी लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक लाइन से ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठाने जा रहे हैं ट्रेन में बिना टिकट में सफर करके, ट्रेन में बिना टिकट के सफर करके हम जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।